प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से मोदी ऐप के जरिए रूबरू हुए। महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि आज देश भर की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं से संवाद करने का उन्हें अवसर मिला। पीएम मोदी ने कहा कि आप सब अपने आप में संकल्प, उद्यमशीलता और सामूहिक प्रयासों का एक प्रेरणादायी उदाहरण है। महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है महिलाओं को स्वयं की शक्तियों को, अपनी योग्यता को, अपने हुनर को पहचानने का अवसर उपलब्ध कराना। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां महिलाएं बड़ी संख्या में काम करती हुई मिलेंगी। देश के एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर की तो महिलाओं के योगदान के बिना कल्पना की ही नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि ये स्वयं सहायता समूह एक तरह से गरीबों, खासकर महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने हैं। ये ग्रुप महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत भी बना रहे हैं। जिस शहर का वो गाइड के रूप में काम करना चाहता वो ला करके दिखाए, गाइड के वो अपने कॉस्ट्यूम बढ़िया सा पहन करके आए, लैंग्वेजेस को सीखे और कोई कैसे टूरिस्ट गाइड के रूप में दुनिया को दिखाए, उसकी कंपटीशन की जाए। इससे फायदा होगा, एक तो हिंदुस्तान के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि प्रचार होगा, धीरे धीरे गाइड नाम के लोग तैयार होंगे और बिना गाइड को इन चीजों को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। वरना तो आए देखे बहुत अच्छा यार है, कैसे किया होगा, बहुत बहुत बेहतर। लेकिन जब जहन में भर जाता है इसके पीछे ये हिस्ट्री है तो उसके प्रति एक लगाव होता है। आपको कोई कमरे में बंद कर दे, कोई व्यक्ति कमरे में बंद हो और कमरे की दरवाजे पर एक छोटा सा छेद किया जाए और अंदर से कोई हाथ बाहर निकाले और एक लंबी कतार लगाई जाए और सबको कहा जाए कि इनको शेक हैंड करिए, कौन इंसान है पता नहीं है, छेद किया है, हाथ लटका हुआ है, आप जा रहे हैं, तो ऐसा ही लगेगा जैसे आप एक डेड बॉडी को हाथ लगा के चले जा रहे हो। लेकिन जब आपको बताया अरे भाई ये तो सचिन तेंदुलकर का हाथ है तो आप छोड़ेंगे ही नहीं। यानी जब जानकारी होती है तो अपनापन की एक ताकत बढ़ जाती है। हमारे इन चीजों की धरोहर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हमारे देश में कम से कम 100 शहरों में जो भी हम तय करें वैसे इस प्रकार के नई पीढ़ी को हम तैयार करें जो गाइड के प्रोफेशन के लिए धीरे धीरे आगे आए, जिनके उंगलियों पर इतिहास पनपता हो, इतिहास ठहर गया हो जिनकी उंगलियों पर, ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो आप देखिए देखते ही देखते ही ये भारत के पास जो महान विरासत है, हजारों साल की हमारी ये जो गाथा है दुनिया के लिए अजूबा है जी। और हमें दुनिया को और कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये जो हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं सिर्फ उसको दिखाना मात्र है। हिंदुस्तान के टूरिज्म को कोई रोक नहीं।